ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पार्ट टू में आज का सवाल, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के संतान थे। ऑप्शन ए चौथे, बी पांचवें, सी सातवें या डी आठवें। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। जीएस न्यूज की तरफ से आप सभी पाठकों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर के नर्सिंग होम से नवजात गायब, पुलिस कर रही तफ्तीश। भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में नवजात शिशु के गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कहलगांव में लावारिस अवस्था में मिले नवजात को छोटू पांडे नाम के एक व्यक्ति ने डॉक्टर अजय कुमार सिंह के क्लिनिक में इलाज के लिए शनिवार को भर्ती कराया था, लेकिन छोटू पांडे नर्सिंग होम प्रशासन को बिना बताए नवजात को लेकर फरार हो गया है। वहीं चाइल्ड लाइन की ओर से डॉक्टर को उक्त नवजात को किसी को नहीं देने की बात कही गई है। इसी क्रम में जब डॉक्टर अजय सिंह नवजात को देखने के लिए गए तो नवजात अपने स्थान पर नहीं था। आनन-फानन में नर्सिंग होम प्रशासन ने इसकी जानकारी जोगसर थाने की पुलिस को दिया है। तदुपरांत जोगसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में तफ्तीश करने में जुट गई है। घंटे के अंदर सभी को सूचना देना अनिवार्य है और ये चूंकि अबेंडेंट चाइल्ड है तो ये अब सरकार के संरक्षण में आएगा और यदि इसमें आपका कुछ खर्च हुआ है तो वो जो एडॉप्शन फंड है उसके तहत आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। तो आगे बच्चे के लिए यही बच्चा रेस्क्यू होके बच्चा सरकार के संरक्षण में जाएगा और बेहतर चिकित्सा हेतु मायागंज में तत्काल निको वार्ड में भर्ती होगा और उसके बाद हो सकता है कि जो बाल कल्याण समिति जैसा उचित समझेंगी वो आगे निर्णय लेंगे, क्योंकि खोए पाए बच्चे का जो भी अभिभावक होते हैं वो संबंधित जिले के बाल कल्याण समिति के सदस्यगण और चेयरपर्सन होते हैं जिनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अधिकार प्राप्त होता है। तो फिर वो क्या किए, वो बच्चे को क्या किया? बच्चा अभी जैसे डॉक्टर साहब के द्वारा जैसे वो विरोध पे उतर गए कि हम बच्चा नहीं देंगे तो हम संबंधित थाना के पास गए आवेदन लेके कि हमें बच्चा रेस्क्यू कराने में मदद किया जाए। तो इसके बाद वहीं पे थे तो हमें सूचना प्राप्त हुई डॉक्टर साहब के मोबाइल के माध्यम से कि बच्चा लेके वो लोग एक छोटू पांडे नामक व्यक्ति चलाया, बच्चे को दिखाया, मैंने भर्ती करने के लिए बोला, उसका ये कटा हुआ था। सबसे पहले मैं भैया गया था तो वहाँ लेके आया, किसी के फोन से आया था और फिर पहले डीके जसवाल के यहाँ जाके वो ऑपरेशन उसका सिलाई हुआ, फिर हमारे यहाँ आया, हमने देख के उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद उसने कहा कि ये एक बात बताएं कि क्या ये बच्चा फेंका हुआ था, हमने पाया तो कि अच्छा ठीक है, अच्छा काम किया है, धन्यवाद आपको। और फिर हमने कहा कि लेकिन पुलिस को सूचना आपने दे दिया है, तो उसने कहा कि हाँ सबको मालूम है, ठीक है हम इलाज करते हैं। फिर भर्ती हुआ, कल तक तो फिर ठीक ही था। इसको ऐसे मैंने समझा दिया था कि ये जो होता है इसको आप सीधे नहीं ले सकते हैं, ये मैंने उसको कानूनी ये बता दिए थे। फिर आज चाइल्ड लाइन वाले का एक फ़ोन आया, फ़ोन के बाद फिर हम जब नीचे आए तो वो आए अमन जी, और फिर मैंने वो छोटू पांडे को भी फ़ोन से बुलाया, दोनों के आमने सामने बात हुई। चाइल्ड लाइन वाले अमन जी का कहना था कि ये बच्चा अब हम ले जाएंगे और यदि खर्च का भी लगेगा तो हम बियर करेंगे, लेकिन वो भावनात्मक रूप से या जो कहिए छोटू पांडे बोले कि नहीं किसी भी शर्त पर ये जो है ये हम ही ले जाएंगे। हमने कहा अच्छा उसमें अभी तो इलाज चल रहा है, जो हमको कानून सम्मत होगा हम उसी को देंगे, यदि कानून कहेगा कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते नहीं दे सकते। तो फिर दोनों चले गए, उसके बाद मैं भी थोड़ा चाय पीने लेटरिन बाथरूम चला गया थोड़ा बीच में, उसी दौरान वो बच्चा देखने के लिए मांगा और देखने के क्रम में वो बच्चा लेके फिर भाग गया। भागलपुर शहर के प्रतिष्ठित साईं होटल में पुलिस की छापेमारी में जुआ के फड से 10 गिरफ्तार।
भागलपुर के कुछ होटल और रेस्टोरेंट इन दिनों जुआ, शराब और देह व्यापार जैसे गोरख धंधों के लिए जाने जाने लगा है। इसी कड़ी में एक बार फिर शहर के प्रतिष्ठित साई होटल में जुए का फड़ चलने की सूचना पर कई थाने की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने होटल के चौथे तल्ले के हॉल से ताश के पत्ते, शराब की खाली बोतल और कुछ कैश भी बरामद किया है। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से इसमें अन्य लोगों के संलिप्तता के बारे में जानने की पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार उक्त होटल में शराब और जुआ के संचालन की सूचना पर ट्रेनी डीएसपी दिवेश, विपिन बिहारी, डॉक्टर गौरव, कोतवाली और ततारपुर थाना सहित कई थाने की पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन होटल कर्मियों ने पुलिस को दिग्भ्रमित करने का काफी प्रयास किया। पुलिस को भी प्रारंभिक जांच में सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर जब्त कर जांच की तो सारे काले कारनामों की पोल खुल गई। तदुपरांत पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार्रवाई के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। आज 11 अगस्त की रात्रि गोसाई गांव में आएंगे भगवान श्री कृष्ण, नहीं होगा भव्य आयोजन। अंग प्रदेश के सुप्रसिद्ध सर नवगछियान मंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव के श्री कृष्ण मंदिर में आज 11 अगस्त की रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूजा अर्चना प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। बताते चले कि कोरोना काल के कारण जहां इस वर्ष कोई भव्य आयोजन नहीं होगा, वहीं इस बार मेला का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। मंदिर के पुजारी विपिन कुमार झा ने बताया कि कोरोना काल एवं लॉकडाउन के कारण इस वर्ष 2020 में सिर्फ मंदिर के पुजारी एवं पुरोहित द्वारा भगवान की पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस बार कोरोना महामारी के कारण भगवान श्री कृष्ण का विशाल भव्य प्रतिमा का निर्माण भी नहीं करवाया गया है। मंदिर में एक छोटे आकार का अलग से प्रतिमा बिठाई जाएगी। बताते चलें कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जन्माष्टमी 2020 में ना ही मेड़ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है और ना ही मेला या किसी तरह का बड़ा भक्ति आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजन को लेकर व्यवस्थापक द्वारा तैयारी की जा रही है। मंदिर को सैनिटाइज करने के बाद आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है एवं भगवान का दर्शन करने आने वालों को भी सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के बीच ही दर्शन एवं प्रार्थना करने की इजाजत दी गई है। नवगछिया लक्ष्मी होटल के पास टीएन यादव के चालक की गोली मारकर हत्या। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 लक्ष्मी होटल के पास सोमवार की देर रात अपराधियों ने उप मुख्य पार्षद अभिषेक रमन उर्फ टीएन यादव के गाड़ी के चालक थाना क्षेत्र के रसलपुर निवासी संतोष कुमार यादव 30 वर्षीय पिता सुहास यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने सुहास यादव को एक गोली सीने में मारी है, जो संतोष यादव के सीने दाहिने ओर गोली लगी है। सीने में गोली लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु पहुंचाया। घटना के संदर्भ में मृतक के परिजन ने बताया कि रविवार को संतोष ने एक यूपी के इनोवा गाड़ी खरीद किया था, जिसको लेकर कुछ दोस्तों के साथ चौक पर गया था। वहीं पर खाने पीने की पार्टी थी। खाने पीने के दौरान ही अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद उसके शव को ट्रैक्टर के नीचे छुपा दिया था। जानकारी के अनुसार घटना में नवगछिया के कुछ अपराधी का हाथ होने की आशंका पुलिस द्वारा व्यक्त किया गया है। अपराधियों ने संतोष को काफी करीब से गोली मारी है। करीब से गोली मारे जाने के कारण जहां गोली लगी है, उक्त स्थल बारूद से जल गया है। घटनास्थल एक देसी कट्टा व कई संदिग्ध सामान नवगछिया पुलिस द्वारा बरामद कर बताया गया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों ने घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच किया, जहां पर देसी कट्टा बरामद हुआ है। SDPO प्रवीण कुमार भारती ने बताया कि घटना को लेकर जांच प्रारंभ कर दिया गया है। छापेमारी की जा रही है। संतोष का आपराधिक इतिहास को भी देखा जा रहा है। नवगछिया में कोरोना विस्फोट, मिले रिकॉर्ड 42 लोग संक्रमित। नवगछिया उपकारा के 13 बंदी संक्रमित। सोमवार को नवगछिया में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ है। नवगछिया में रिकॉर्ड 42 लोग संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मालूम है कि नवगछिया में अब तक कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 700 को पार कर गया है, जिसमें 550 रोगी के ठीक हो जाने की सूचना है। अब तक नवगछिया अनुमंडल अस्पताल सहित आसपास के PSC में मिलाकर 15,000 से अधिक लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। नवगछिया अनुमंडल में विभिन्न जगहों पर हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट में नवगछिया से 23, बिहपुर से 5, खरीक से 9, रंगरा से 5 लोगों के संक्रमित होने की सूचना है। वहीं नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि जेल में सभी संक्रमित बंदी के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। किसी भी बंदी में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुमंडल अस्पताल के पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम है। दूसरी तरफ पॉजिटिव पाए गए मरीजों को बॉन्ड भरवाने एवं कोविड सेंटर लाने की प्रक्रिया की जा रही है।
नवगछिया एसडीओ ने कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश, कहा कंटेनमेंट जोन वाले गांव में जांच में लाएं तेजी। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को एसडीओ मुकेश कुमार की अध्यक्षता में कोविड 19 के संक्रमण को रोकथाम हेतु अनुमंडल के सभी स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ बैठक की गई। बैठक में एसडीओ ने सभी स्वास्थ्य प्रबंधक को अनुमंडल के वैसे पंचायत जो कंटेनमेंट जोन में है उन पंचायत एवं गाँव में सबसे पहले जाँच कराने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान समीक्षा के क्रम में पाया कि खरीक प्रखंड में कुल 66 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें अब तक 36 मामले में कोरोना मरीज ठीक होकर घर आ गए। 30 पॉजिटिव मरीज हैं जिसे होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड में कुल 33 मामले पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 22 मरीज ठीक हो गए हैं, 8 मरीज को होम क्वारंटाइन एवं 3 मरीज को कोविड 19 सेंटर में रखा गया है। रंगरा प्रखंड में कुल 80 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें 53 मरीज ठीक हो चुके हैं, 18 मरीज को होम क्वारंटाइन एवं 9 मरीज को कोविड 19 सेंटर में रखा गया है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नवगछिया अनुमंडल के सभी प्रखंड के बारे में जानकारी ली गई एवं एसडीओ ने आगामी बाढ़ के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य प्रबंधक को हेलोजन टेबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, गैमेक्सिन इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। इस्माइलपुर खरीक एवं रंगरा के स्वास्थ्य प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेलोजन टेबलेट, ब्लीचिंग पाउडर एवं गैमेक्सिन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 76 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 76 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3800 रुपया जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में एक वाहन से 1000 रुपये भी जुर्माना वसूल किया गया है। यूको बैंक की गोपालपुर शाखा में नहीं हो रहा सामाजिक दूरी का पालन। केंद्र एवं राज्य सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद यूको बैंक की गोपालपुर शाखा में बैंक प्रबंधन द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करवाया जा रहा है। बिना मास्क पहने एक साथ बड़ी संख्या में बैंक के अंदर ग्राहक खड़े हैं। यहां तक कि कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित भी बिना मास्क के बैंक में देखे गए थे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह ने बैंक प्रबंधन से तत्काल बैंक में कड़ाई से सामाजिक दूरी का पालन करवाने की मांग की है। गंगा नदी के जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की कमी इस्माइलपुर बिनटोली में। इस्माइलपुर बिनटोली में लगातार जलस्तर में कमी होने का सिलसिला पुनः जारी है। इस पर संख्या 6 स्थित कैंप कार्यालय में मौजूद कनी अभियंता इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा नदी 31.75 मीटर पर बह रही है। हालांकि खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, परंतु फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। गोपालपुर PSC में जल जीवन हरियाली के तहत किया गया वृक्षारोपण। जल जीवन हरियाली के तहत PSC गोपालपुर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 11 फलदार पौधे लगाए गए। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। नवगछिया, नए अंचलाधिकारी ने दिया योगदान। नवगछिया अंचल में सोमवार को नए अंचलाधिकारी विश्वास आनंद ने अपना पदभार ग्रहण किया। अंचलाधिकारी विश्वास आनंद ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता नवगछिया के लिए आने वाले बाढ़ व मोटेशन रहेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर लंबित पड़े मोटेशन जल्द से जल्द निष्पादन करने का कार्य किया जाएगा, उसके बाद जो भी आम पब्लिक के हित के लिए होगा कार्य किया जाएगा। वहीं पूर्व अंचलाधिकारी विद्यानंद राय ने कहा कि नवगछिया के लोगों का भरपूर सहयोग मिला, यहां कभी कोई परेशानी नहीं हुई।
रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने मारपीट कर किया लहूलुहान गंभीर। नौचा थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में रविवार की देर शाम अपराधियों ने 10 लाख की रंगदारी नहीं देने पर गांव के ही शिवरत कुमार सिंह पिता अनिल कुमार सिंह को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के संदर्भ में घायल के बयान पर नौगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आई प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680, 8228-95-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।